हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपने मैथ्स की क्लास चल रही थी और उसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ठीक है, जो अपने गणितीय संख्या अल्जेब्रिक जो ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर टॉपिक आता है। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर अपन ने चार कंसेप्ट में चार ट्रिक देख ली थी। मैं आपको एक बार ब्रीफ में रिविजन करवाता हूँ कि कौन कौन सी ट्रिक अपन ने देख ली थी। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो पहली ट्रिक बताई थी मैंने आपको बताई थी। अभी तक कौन कौन सी ट्रिक देखी उसके बारे में जानते हैं। मैंने बताया अगर आपको दिया हो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर x plus 1 upon x बराबर k, और आपको पूछा क्या गया हो, आपको पूछा हो x square plus 1 upon x square कितना होगा। तो मैंने आपको कहा था कि इसमें क्या करना है, आपको जो दिया हो k square और माइनस का क्या कर देना है, दो कर देना। ठीक है, दूसरी ट्रिक जो आपने देखी थी वो क्या देखी थी, इधर x माइनस का 1 upon k, 1 upon x बराबर दिया हो k, और फिर पूछा हो आपको x square plus 1 upon x square, तो दोस्तों आपको क्या करना है, k square plus का 2। फिर जो तीसरी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि x square plus 1 upon x square बराबर दे रखा हो k, और पूछे आपको x plus का 1 upon x, क्या पूछेगा आपको x square plus 1 upon x square बराबर क्या दिया हो k, और क्या पूछेगा आपको कि x plus का 1 upon x आपके पास कितना होगा। तो दोस्तों मैंने कहा था आपको x plus 1 upon x के अंडरूट के अंदर लेना है। देखो याद कैसे रखना है इसको, कि देखो दो घात से एक घात में तो रूट लेना पड़ेगा, दो घात से मतलब रूट, तो रूट का रूट ले लिया, के का के रख दिया। अब मैंने आपको कहा था कि अगर इधर मान लो क्या आपका प्लस, इधर प्लस है और इधर भी क्या आपका प्लस, दोनों साइड भी क्या आपका प्लस। ठीक है, तो यहां पर भी क्या आएगा आपका, हाँ यहां पर भी क्या आएगा आपका प्लस। ठीक है, मैंने बताया था आपको, किसे बताया था कि भाई दोनों साइड प्लस प्लस करके, और मैंने आपको इसका बताया तरीका बताया था मैंने आपको, वो आप देख सकते हो पीछे के वीडियो में। और चौथी जो ट्रिक मैंने बताई थी, अगर आपको दिया हो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, अच्छा ऐसे सेमी लिख देता हूं, सेमी से लिख देता हूं, देखो चीज तो वही दी हुई है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, पूछा क्या है इस बार x माइनस का 1 अपॉन x पूछा है, तो इधर माइनस है तो इधर भी क्या जाएगा माइनस, तो क्या कर दोगे k माइनस का 2। ठीक है, ये चार ट्रिक अपन इसके अंदर एक बार देख चुके हैं, चार ट्रिक अपन देख चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन ने इसके अंदर दोस्तों कर लिए थे। ठीक है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दो प्रैक्टिस क्वेश्चन और करवाता हूं, और फिर अपन बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की ओर, नेक्स्ट कांसेप्ट की ओर अपन बढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन इसने क्या कहा, क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को कि x माइनस का 1 अपॉन x बराबर, क्वेश्चन दिया है x माइनस का 1 अपॉन x बराबर 3√5। ये अपना क्वेश्चन है, और इसने अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है इन्होंने कि आप बताइए कि x की स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि अगर मान लो ये पूछा हुआ है, ठीक है, तो x माइनस का 1 अपॉन x है तो अपन क्या निकाल सकते हैं, x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन k स्क्वायर, तो अपन को ये तो पूछा नहीं, इसने क्या पूछ लिया कि यहां भी बीच में माइनस दिया और माइनस ही इसने पूछ लिया। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले इससे क्या निकालना पड़ेगा, यहां बीच में माइनस कब आ सकता है, यहां बीच में माइनस तब आ सकता है जब अपन क्या मिल जाए कि x प्लस का 1 अपॉन x मिल जाए, क्या मिल जाए अपने को, x प्लस का 1 अपॉन x मिल जाए। अब देखिए x प्लस का 1 अपॉन x अपने को कैसे मिलेगा, x प्लस का 1 अपॉन x निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, देखिए दोस्तों कि देखो अपने को ये पूछा गया, अगर मान लो कि मैं इसको एक तरीके से लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको x प्लस का 1 अपॉन x ब्रैकेट में x माइनस का 1 अपॉन x बना सकता हूं, नहीं बना सकता। अब मेरे को ये क्या कह रहा है कि अगर मेरे को x माइनस का 1 अपॉन x तो दिया हुआ है, लेकिन अगर मेरे को x प्लस का 1 अपॉन x मिल जाए तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को फिर मैं कह रहा हूं आपको कि जो ये सिंपलीफाइड क्वेश्चन है आपको टॉपिक बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आप इसको करते हो ना तब समझ में आता है कि किसी क्वेश्चन आपसे बनते नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपको ध्यान से देखते जाइए कि x माइनस का 1 अपॉन x बराबर 3√5 दिया हुआ था, और अपने को पहुंचना कहां पर, अपने को पहुंचना है x प्लस का 1 अपॉन x पर, लेकिन x प्लस का 1 अपॉन x तो तब आएगा ना जब अपने पास पहले से क्या है, x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि देखो x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर से अपने x प्लस का 1 अपॉन x निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे को दिया हुआ क्या, x माइनस का 1 अपॉन x दिया हुआ है, और x माइनस के 1 अपॉन x से x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x के तरफ अपन कैसे पहुंचते हैं, तो k स्क्वायर प्लस k 2 से पहुंचते हैं। यहां पर k की जगह कौन है, 3√5, 3√5 का स्क्वायर 3 का 9 * 5 प्लस का 2, यानी कितना हो जाएगा ये 47। तो आपका x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर कितना आ गया 47। अब अपना क्वेश्चन ये बन गया कि x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर कितना है अपना 47। इससे मेरे को क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, x प्लस का 1 अपॉन x फाइंड आउट। तो देखो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर k दिया हो तो उसे x प्लस 1 अपॉन x कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूट के अंदर क्या करते हैं अपन, k प्लस 2, यहां पर k की जगह कौन है दोस्तों 47, तो 47 प्लस का 2 यानी कि √49, और √49 को लोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब दोनों वैल्यू आ गई अपने पास, x माइनस का 1 अपॉन x तो x प्लस का 1 अपॉन x तो कितना है 7, और x माइनस का 1 अपॉन x कितना है 3√5, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 21√5, और दोस्तों यही क्या आपका आंसर है। देखिए दोस्तों
ये वो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग एग्जाम में छोड़ के आते हैं, ज्यादातर लोग एग्जाम में छोड़ के आते हैं। लेकिन अगर अपने को बाकी लोगों से आके निकलना है तो यही अपने पास मौका होता है कि जो क्वेश्चन वो लोग छोड़ के आते हैं वो क्वेश्चन अपन करें। ठीक है, टाइम देखो ज्यादा नहीं लगना है, आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज अपने आप ही होती जाएगी। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, इसी पर बेस्ड अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिमाग होना चाहिए x माइनस का वन अपॉन x। ठीक है, अब देखो प्लस का वन अपॉन x तो दिया हुआ है, ये चाहिए मेरे को, लेकिन ये तो मेरे को कब मिल सकता है? देखो ये तब मिल सकता है जब मेरे पास ये वाला हो। इसको मैं यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं, कैसे फाइंड आउट करता हूं? x प्लस का वन अपॉन अगर k देर का हो तो मैं ठीक जानता हूं कि x वन अपॉन x स्क्वायर बराबर कितना होगा, बोलो 7 का स्क्वायर माइनस का 2। पहले ठीक भाई x plus 1 upon x square बराबर 7 देर का हो तो x square plus का 1 upon x square कितना होगा, 7 का square minus का 2। ठीक है, तो 7 का square करूंगा मैं तो कितना जाएगा 49 minus का 2 यानी कितना जाएगा 47। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि x square plus 1 upon x square, अपने पास आ गया x square plus 1 upon x square बराबर 47। अब क्वेश्चन अपने यही बन गया कि इससे क्या फाइंड आउट करो। देखो x plus का 1 upon x तो है अपने पास, x minus का 1 upon x फाइंड आउट करो। मैंने आपको बता देखो याद कैसे रहेगा कि रूट वाले तो मैंने कहा था आपको दो घात से एक घात में रूट तो लेना पड़ेगा। अब मैंने कहा था आपको कि जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ पर आएगा, k माइनस का 2। यहाँ पर k कौन सा है देखो 47 और माइनस का 2 यानी कि 45 को हम लिख सकते हैं 9 × 5 तो 9 × 5 तो 9 बार आएगा 3√5 कितना आ जाएगा अपना 3√5। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, x प्लस का वन पर x क्वेश्चन में दिया हुआ था 7 और ये अपन ने कितना निकाल दिया, ये अपन निकाल दिया 3√5 तो मल्टीप्लाई करोगे 7 × 3 = 21 और 21√5 तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके और अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्वेश्चन कह रहा है यदि x माइनस का 1 अपॉन x बराबर है 2√3 ये देख रहा है 2√3 तो आप फाइंड आउट करके बताओ हमें x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन x। देखो वही वापस क्वेश्चन है, इसको लिखना है तो इसको सीधा ही क्या लिख दोगे, x प्लस का 1 अपॉन x। अब तो देखो आप ओरली होने लग जाएगा ये कि अपने को कि देखो ये दिया हुआ तो माइनस वाली चीज चाहिए प्लस वाले टर्म चाहिए, प्लस वाले टर्म चाहने से पहले अपने क्या करना पड़ेगा कि इसमें अपने को ये वाली टर्म चाहिए होगी x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर। फिर मैंने आपको कहा था कि देखो माइनस है, माइनस से यहां तो प्लस ही आएगा स्क्वायर करोगे ठीक है, लेकिन माइनस है तो यहां जो आएगा ना सूत्र में वो क्या आएगा प्लस का आएगा, k स्क्वायर मतलब 2√3 करोगे प्लस का क्या करोगे 2 प्लस का 2 करोगे कितना जाएगा 4 × 3 प्लस का 2 4 3 12 और 2 14 ठीक है, x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर कितना कितना आ जाएगा अपना 14 आ जाएगा। फिर अपने ये कह रहा है कि अब साहब बताओ क्या निकालना, देखो x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर क्या बन गया 14, इससे अपने क्या निकालना है देखो x माइनस का 1 अपॉन x तो अपने को दिया हुआ है, अपने को फाइंड आउट क्या करना है x प्लस का 1 अपॉन x, x प्लस का 1 अपॉन x कितना आएगा, x प्लस का 1 अपॉन x आएगा अपना कितना √ तो लाना ही पड़ेगा, ये ले लिया साहब √ 14 इधर प्लस है इधर भी क्या आ जाएगा प्लस ठीक है, तो प्लस का 14 प्लस 2 16 बन गया तो ये x का 4 ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया कि x प्लस का 1 अपॉन x कितना आ गया 4 तो ये दिया साहब 4, x माइनस का 1 अपॉन x क्वेश्चन में कितना दे रखा था 2√3 तो 4 2 8 तो 8√3 ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अगर एक बार आपको चीजें मैं आपको प्रैक्टिस इतनी ज्यादा इसलिए करवा रहा हूं देखो फिर एक बार मैं आपको ट्रिक समझाता हूं, ट्रिक को याद कैसे रखना है। अगर मान लो कि आपको एक घात से दो घात में जाना है तो क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर, एक घात से दो घात जाना तो क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर। देखो ये दो घात आ रही है ना, मैं एक घात से दो घात थी तो ये लगाया स्क्वायर। फिर मैंने कहा आपको कि अगर यहां प्लस है, यहां प्लस है तो यहां क्या आएगा माइनस आएगा, यहां क्या आएगा माइनस आएगा। फिर एक घात से दो घात में जाना तो क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर, क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर। यहां पर क्या है अपने माइनस है तो यहां कितना आएगा प्लस यानी अपोजिट आएगा।
फिर यहां पर तो तीसरी स्थिति अपनी आती है कि अगर दो घात से एक घात में जाना है तो क्या लगाना पड़ेगा अंडर रूट। अब यहां पर अगर प्लस है तो यहां पर भी क्या लेना है प्लस, यहां माइनस है ज्ञात करने वाला तो यहां भी क्या लेना है अपने को माइनस लेना है। तो बिल्कुल सिंपल है यहां तक। तो अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसमें। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर को दिया हुआ है कि यदि x प्लस का 1 अपॉन x, x प्लस का 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 हो, ठीक है, तो पूछा है इसने कि आप बताओ। देखो इस बार तो बहुत कुछ ही पूछ लिया इसने, x प्लस x की घात 4 बराबर बताओ या फिर x प्लस 8 की घात प्लस 1 बटा x की घात 8 ये भी बताओ, और क्या पूछ लिया इसने, अच्छा x की घात 6 प्लस 1 बटा x की घात 6, ठीक है। हाँ देखो दोस्तों, तो ये दो चीज, दूसरा क्वेश्चन था अपना, ये दो चीजें पूछ रही है उसको, ठीक है, तो दो चीजें पूछ रही है। देखो सबसे पहले x प्लस का 1 अपॉन x दे रखा है तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, दो, मैंने कहा था आपको दो घात करोगे इसका मतलब स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, दो घात करोगे इसका स्क्वायर आएगा, तो दो स्क्वायर लिखता सीधा आप तो ऐसे याद रखो, पर ट्रिक है तो ट्रिक के हिसाब से याद रखनी पड़ेगी ना कि दो सीधा दो का स्क्वायर कर दो। अब अपन क्या लेना है इसका कि दो का स्क्वायर करोगे तो मैंने कहा था आपको जब यहां पर प्लस आएगा इसका मतलब यहां क्या आएगा माइनस, तो माइनस किया जाएगा दो, माइनस किया जाएगा दो, तो दो का स्क्वायर चार, चार माइनस तो दो करोगे इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर आपका कितना आया फिर से दो आ गया, कितना आ गया आपका फिर से दो आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये कह रहा है कि इसकी फिर से क्या करोगे, देखो इसकी घात फिर से डबल करोगे तो एक्स की घात चार इधर क्या जाएगा वन अपॉन एक्स की घात चार, तो जो यहां पर है उसका स्क्वायर माइनस कर दोगे दो, ठीक है, तो देखो क्या जाएगा दो दो चार, चार माइनस दो दो, अच्छा ये तो फिर एक्स का चार प्लस का वन अपॉन एक्स का चार भी कितना आ गया ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, अब फिर से इसका स्क्वायर कर दो, फिर से इसका स्क्वायर कर दो तो क्या जाएगा x की घात 8 प्लस का 1 अपॉन x की घात 8, मैंने कहा इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 नहीं करना, 4 का स्क्वायर कितना होगा 8 होगा, फिर क्या करोगे तो 2 की घात 2 माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा फिर से, ठीक है, तो इसका 4 प्लस 4 निकालोगे चाहे इसका 8 प्लस 8 निकालोगे चाहे यहां से इसका 16 प्लस 1 अपॉन x का 16 निकालोगे तो ये भी कितना आता 2 आता, ठीक है, ये इसके पीछे क्या रीजन है वो अपन इसको लास्ट में देखेंगे, क्यों, क्योंकि जब भी x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 होता है दोस्तों तो यहां पर x का वैल्यू कितनी होती है 1 होती है सदैव, x की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है 1, अब 1 होती है तो 1 क्या भाग चाहे 4 लगाओ चाहे 8 लगाओ चाहे 16 लगाओ हमेशा कितना रहना 1 ही रहना, तो 1 प्लस 1 ऑलवेज कितना रहना 2 रहना, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई अपनी इसकी चार कांसेप्ट में, ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट की, नेक्स्ट कांसेप्ट में बढ़ने से पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई यानी कि जो अपने कहने की मैं आपको जनरलाइज फॉर्म में करवाता हूँ, जनरलाइज फॉर्म में ऐसे करवाता हूँ कि देखो दोस्तों देख चुके हैं कि यदि यदि ध्यान समझना बिल्कुल ही, यदि x प्लस का 1 अपॉन x बराबर है k, x प्लस का 1 अपॉन x बराबर क्या है k है, तो दोस्तों अपने पास क्या आया है कि x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर कितना आता है, ये आता है अपने पास कि k स्क्वायर और माइनस का माइनस का दो। अगर मैं इसको कुछ कह दूं कि टी कह दूं तो मेरे को बताओ x का 4 प्लस का 1 अपॉन x का 4 कितना आएगा टी स्क्वायर माइनस 2, बोला आएगा कि नहीं आएगा, अगर मैं फिर इसको इसको मैंने क्या कह दूं क्यों कह दूं कुछ, ठीक है, तो मेरे पास x की घात प्लस 1 अपॉन x का 8 कितना आएगा क्यों स्क्वायर माइनस का, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब ये चीज अपने को ऐसे दिमाग में सेट रखनी है कि जैसे सीधा सीधा अपने क्वेश्चन बोला कि x प्लस x की घात x प्लस की घात बराबर कितना है यहाँ पर बोल दिया कि साफ तो देखो इसमें पहले दो दिया था दो बार दिख गया तीन दे दिया यहाँ पर, ठीक है, तो सीधा आपको दिमाग पड़ना चाहिए जब एक घात करूंगा जब इसकी एक बार स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आएगा, यहाँ आएगा तीन तरी नौ, नौ माइनस दो यानी ये कितना आएगा सात, यहाँ सीधा दिमाग पड़ना चाहिए ये क्या करूंगा सात का स्क्वायर माइनस का दो यानी कि 47, यहाँ आएगा 47 का स्क्वायर माइनस का, ठीक है, अब देखो ये 47 का स्क्वायर मैंने कहा था आपको याद नहीं हो तो फोर ऐसा होगा कि नहीं होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलोगे देखो a का स्क्वायर 4 1600 प्लस 2ab 728 280 280 प्लस का दो 560, इसको आप इजीली फिर क्या कर सकते हो ऐड कर सकते हो, ऐड इजीली कर सकते हो कैसे ऐड करते हो देखो 550 में 40 है तो 600 609 ही हो जाएगा 609 और 1600 देगा आपको ज्यादातर चीज आपको वीडियो में मिलेगा तो स्क्वायर को रट लो। देखो दोस्तों अगर ट्रिक भी है ना तो उसको इतना अगर ज्यादा रटोगे ना तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कुछ ही नहीं बचेगा फिर लास्ट में, ठीक है, या तो आपको इतना रटना एकदम रटू तोता बनना है कि एकदम ये डाटा रटा हुआ हो तो वो चलता है, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे आपको कंफ्यूज होगा तो मामला खराब हो जाएगा, तो अपने बैकअप में रखना पड़ेगा ना कुछ तो, ठीक है, तो बैकअप में सीधा क्या करेंगे भाई किसी का भी पूछे आप
किसी का भी स्क्वायर पूछेगा तो देखो आप इसको और सिंपलीफाई करके लिख दो, देखो 47 क्या लिख सकता हूं मैं, 47 को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 50 माइनस 3 का स्क्वायर, या और ही सिंपल हो जाएगा कैसे, देखो 50 का कितना लो 2500 माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 9 और माइनस का कितना हो जाएगा 2, देखो 5 3 15 15 और 150 कितना हो जाएगा 300, देखो 2500 में से 300 गया कितना है 2200 और 2200 में जोड़ दिया 9। अगर आपकी धीरे धीरे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी ना तो ये वाला चीज आप ओनली कर लो, ये वाला चीज आप ओनली कर लो। मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, सोचो जब मैं खुद करूंगा या खुद करोगे इस चीज को तो कितने जल्दी क्या कितने कम समय में आप कर लोगे इस चीज को, ठीक है। तो इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको बार बार चीजें कम ज्यादा से ज्यादा रखोगे ना ज्यादा देर ज्यादा कन्फ्यूजन होगा भाई रटने के लिए, तो जीके होता है उसमें याद करोगे ना चीजों को। तो मेरा कहने का मतलब ये कि समझ की चीज को याद करो ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में रहे, ठीक है। ये बाकी चीज आपको नहीं मिलेगी, आप उसी जगह बता देंगे लोग कि 47 का स्क्वायर इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। अरे भाई क्या किसको कैसे रखना है, कुछ ही नहीं रखना 47 भाई। हर मैच देखो एक बार तो 40 और 50 के बीच में आएगा ना, 40 का पता होता है 50 का पता था, अगर 50 और 60 के बीच में आएगा तो 50 का स्क्वायर पता है 25 और 60 का स्क्वायर होता है 3600, 60 और 70 के बीच में आएगा तो 60 का स्क्वायर होता है 3600 और 7 का स्क्वायर होता है कितना 4900। तो सबको ये चीजें पता होती है, ठीक है। और नॉर्मल जो प्लस बाकी गुणा भाग जोड़ भाग आप कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा चीज रटने का लोड बिल्कुल ही नहीं रहना है, ठीक है। तो ये चार चीजें अपने ध्यान में रखनी है, याद ऐसे रखना है कि अगर देखो अगर क्या करोगे स्क्वायर, अगर क्या करोगे स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर अगर घात जाएगा तो उसमें भी के का क्या आएगा स्क्वायर, अगर चिन्ह ऊपर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, ऊपर माइनस का तो आएगा प्लस का, अगर घात नीचे में जाओगे तो क्या स्क्वायर आएगा, चिन्ह किसका आएगा रूट का आएगा, प्लस एक्स प्लस वन ऊपर एक्स पूछा तो प्लस आ जाएगा, माइनस पूछा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहां तक चीजें इतनी थी, ठीक है। अपन दो घात की बात करनी है, अपन बढ़ते हैं तीन घात की ओर, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, अब तक अपन स्क्वायर वाली घातों की त्रिकोण देख चुके हैं, अब अपन देखते हैं क्यूब वाली घातों की त्रिकोण। क्यूब वाली घातों की त्रिकोण देखने के लिए मैं आपको ट्रिक पहले ड्राइव करके बताता हूं कांसेप्ट क्या है उस ट्रिक का, और फिर सीधा अपन ट्रिक याद रखेंगे और सीधा क्वेश्चन देखते हैं अपन ट्रिक पर अटैक करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर अपने को दिया हुआ मान लो कि x + का 1/x बराबर k, ठीक है, इसका दोनों साइड क्या कर दो क्यूब कर दो, अगर दोनों साइड क्यूब करोगे इसका तो x + का 1/x बराबर क्यूब आ जाएगा k हो जाएगा, और x प्लस का 1 से क्यूब है इसको इस तरीके से खोल दो, ठीक है, इस तरीके से खोल दो क्या आएगा x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब प्लस का 3 इंटू x इंटू 1/x और x प्लस का 1/x बराबर कितना k क्यूब, यही है कैंसर, x प्लस का 1/x की जगह क्या ले सकते हैं फिर से k, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर आ जाएगा अपना क्या 3k बराबर k क्यूब, तो यहां से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या आ जाएगा k क्यूब माइनस 3k, अपने को ये याद रखना है, अपने को केवल ये दो चीजें याद रखनी है कि यदि x प्लस का 1/x बराबर दिया हुआ हो k तो x क्यूब प्लस का 1/x बराबर क्या होगा k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k, ठीक है। तो ये बिल्कुल दिमाग में रहेगी चीज। इसी प्रकार अगर मान लो कि मेरे को दिया हुआ हो कि x माइनस का 1/x बराबर k, ठीक है, और फिर मेरे को क्या पूछ ले, फिर मेरे को पूछ ले कि बताओ x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब ये कितना हो, तो इस कंडीशन में क्या करोगे, इस कंडीशन में जो चीज अप्लाई होगी दोस्तों अपने इस कंडीशन में अप्लाई होगी वो ये चीज होगी a माइनस b का होल, a माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब, सॉरी यहां पूछेगा माइनस ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको ना, इसमें पूछेगा अपने को माइनस ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, देखो अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा प्लस है तो यहां माइनस आ जाएगा 3ab और यहां आ जाएगा a माइनस बी, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो अब देखो x माइनस का 1/x दे रखा है, इसका दोनों साइड क्या कर दो क्यूब कर दो, तो इधर भी क्या आ जाएगा k क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब माइनस का 3ab x माइनस 1/x बराबर क्या आ जाएगा k क्यूब, सेम वही चीज x x कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस का 3 और इसकी जगह क्या लिख दोगे k, तो लिख दिया k बराबर क्या आ जाएगा k क्यूब, तो इधर क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब, तो यहां से सॉल्व करोगे x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब बराबर आ जाएगा k क्यूब प्लस 3, ठीक है। ये देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अगर आप नहीं समझना चाहते इस चीज को तो कोई लोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है,
केवल इतना याद रख लो कि अगर x माइनस का 1 अपॉन x बराबर k दे रखा है तो x क्यूब माइनस का 1 अपॉन x क्यूब कितना आ जाएगा k क्यूब प्लस 3k। देखो चीन याद रखने इधर प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस और इधर माइनस है तो इधर क्या होगा प्लस। ठीक है आपको चिन्ह की ओर याद रखना है। अभी दोनों ट्रिक को मैं बिल्कुल ब्रीफ में लिख देता हूं। देखिए ब्रीफ में लिख देता हूं दोनों ट्रिक को। ट्रिक जो अपनी है ट्रिक नंबर 5। ठीक है चार ट्रिक अपनी हो चुकी है पहले चार कंसेप्ट हमने देख लिए पांचों छठा कंसेप्ट देखा है तो मैं लिखता हूं आपको भी ट्रिक नंबर ट्रिक ये पांचवी ट्रिक है कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर दे रखा है k और x क्यूब प्लस का 1 अपॉन x क्यूब पूछा था आपको कितना आएगा k क्यूब माइनस 3k। और ट्रिक नंबर 6 है कि यदि x x माइनस का 1 अपॉन x बराबर दे रखा है k और x क्यूब माइनस का 1 अपॉन x क्यूब पूछेगा तो ये है k क्यूब प्लस 3k। ठीक है ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। चिन्ह मैंने कहा था इसका उल्टा हो देखो यहां पर माइनस है तो यहां प्लस है तो यहां माइनस और यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा। ठीक है अब अपन इस चीज पे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या अपना तो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर पहला दिया अपना वो यदि x प्लस का 1 अपॉन x बराबर है 2। ठीक है तो आपको बताना क्या है बोलो बताओ साहब कि x क्यूब प्लस का 1 अपॉन x क्यूब क्या होगा। देखो ऐसे अगर मैं आपको सीधा क्वेश्चन देकर पूछता ना तो आप इसे डीपीटी को मुझे सर x x प्लस x क्या करूंगा इसका अरे घात क्यूब करूंगा और फिर सूत्र याद रखूंगा और तो बहुत ही पंगा हो जाएगा। ठीक है तो वो सूत्र नहीं याद रखने के मैंने कहा था मैं सूत्र बताऊंगा लेकिन सूत्र याद नहीं रखना है। ठीक है अपन को ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक याद रखनी है कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर k तो k कितना लिया है तो ये क्यूब लगेगा और बीच में क्या लगेगा यहां प्लस है तो सूत्र में क्या आएगा माइनस तो k क्यूब लगेगा। भाई घात 3 है तो घात 3 लगा दो। देखो 2 की घात 3 लगा दो माइनस का 3 गुणा 2 2 घात 3 की 8 माइनस का 6 उत्तर लिख दो आएगा नहीं आएगा। इसी प्रकार दिया होता अगर मान लो कि अपने x प्लस का 1 अपॉन x बराबर दिया हुआ है 5 पूछा है x क्यूब 1 अपॉन x क्यूब बताओ। ठीक है तो क्या होगा सीधा इसका क्या लगाऊं इसका क्यूब लगाऊंगा 5 का क्यूब माइनस का 5 इंटू 3 3 क्या लगाना है 5 25 125 माइनस का 15 110 और ऐसे अगर आप सूत्र लगाने बैठ गए ना तो फिर से वो सीटीबीटी घूम जाएगी फिर क्या रहूंगा। ठीक है टाइम कम लगाना है अपने को टाइम कम लगाना है। मैंने कहा था आपको कि कई एग्जाम ऐसे होते हैं जिनके अंदर अपने को टाइम 30 या 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और 30 या 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपको इससे बेटर कोई ट्रिक नहीं मिलेगी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसके अंदर। ये देखो x प्लस का 1 अपॉन x देखो इसमें कुछ भी दे रखा हो कुछ भी उठा लो आप। देखो अगर मान लो दे रखा है x प्लस का 1 अपॉन x बराबर 6 और अपने बोल दिया कि बताओ भाई x क्यूब प्लस का 1 अपॉन x क्यूब क्या होगा तो ये बराबर क्या होगा देखो 6 का क्यूब माइनस का 6 इंटू 3 6 क्यूब 36 36 इंटू 200 16 माइनस का 18 कितना हो जाएगा 198 ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना क्यूब तो मैंने कहा आपको याद रखना पड़ेगा क्यूब स्क्वायर 15 20 तक तो आप कह रहे हैं भाई 6 का क्यूब होता 216 माइनस का कितना जाएगा 198 ये क्या आपका आंसर ये क्या आपका आंसर है। दो ट्रिक और हो गई अपनी क्या हो गई कि अगर x प्लस का 1 अपॉन x बराबर k दे रखा हो x प्लस का 1 अपॉन x बराबर k दे रखा हो तो x क्यूब प्लस का 1 अपॉन x क्यूब क्या आएगा k क्यूब माइनस 3k और इसी प्रकार अगर x माइनस 1 अपॉन x बराबर k दे रखा हो तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब क्या आएगा k क्यूब प्लस 3k। ठीक है इस बार माइनस प्लस वाले माइनस वाले इक्वेशन भी आपको बराबर बता देता हूं कैसे दिया होगा माइनस वाले इक्वेशन में से दिया होगा आपको बस कुछ नहीं बीच में माइनस आ जाएगा ज्यादा कुछ ही मतलब नहीं है ज्यादा कुछ ही स्पेशल नहीं है इसके अंदर। ऐसे दे देगा क्वेश्चन आपको जैसे क्वेश्चन दे देगा कि भाई बताओ क्वेश्चन है x माइनस का 1 अपॉन x बराबर 3 तो बताओ x क्यूब माइनस का 1 अपॉन x क्यूब क्या बस कुछ नहीं 3 का स्क्वायर वो क्यूब करना है प्लस देखो यहां माइनस नहीं किया जाए प्लस 3 * 3 तो 3 का क्यूब कितना करना है बोलो 3 3 9 3 27 27 प्लस का 9 कितना होगा 36 बस या 500 दे देंगे। ठीक है तो बिल्कुल अलग से स्पेशल इसके अंदर मैंने कुछ ही नहीं किया है। ठीक है तो ये ट्रिक थी अपनी इस वाली। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन लेके अब तक सारी चीजें इसके अंदर लगाता हूं जैसे x प्लस का 1 अपॉन x बराबर रूट 29 देखिए अगर अपने पूछ ले क्या कि x क्यूब प्लस का 1 अपॉन x क्यूब बताओ तो मैं आपको कहा सीधे क्या करोगे रूट 29 का क्यूब माइनस का 3 इंटू रूट 29। ठीक है तो ये क्या जाएगा अपना x क्यूब प्लस का 1 अपॉन x क्यूब आ जाएगा। ठीक है सॉरी प्लस है ना हाँ माइनस बिल्कुल सही। ठीक है फिर उसके बाद क्या अगर इसकी आपको पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो मैंने कहा देखो स्क्वायर अगर इसकी घात होगी 2 यानी रूट 29 का होल स्क्वायर। अब मैंने कहा था आपको अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस तो ये माइनस और माइनस के लिए क्या करना है के तो के सीधा 29। ठीक है फिर उसके बाद अगर इसी से आपको क्या निकालना हो
x माइनस का वर्गमूल x निकालना हो तो वो क्या निकलेगा, इस ये निकल गई चीज, अगर ये निकल गई तो फिर ये आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप फिर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक बार इन चीजों को बिल्कुल ऐसे शांत दिमाग से होकर मनन करो चीजों को कि चाहे x plus 1 upon x बराबर k है तो x square plus 1 upon x square क्या हुआ, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगी, फिर आप क्वेश्चन लेके बैठो जहां पे भी आपको गाइड में आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल हो उसमें जहां पे भी x वाले ये वाले क्वेश्चन आपको दिखे आप उनको लेके बैठ जाइए और कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेरे क्वेश्चन भी मेल कर सकते हैं, क्वेश्चन की पिक लेके आप मेरे को मेल आईडी पे मेल कर दोगे, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके और मैं आपको रिटर्न सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सके और आपको भी जैसे ही तुरंत मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।